आज का हमारा वीडियो सभी बॉलर्स के लिए होने वाला है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा अहम होता है सभी बॉलर्स के लिए, क्योंकि गाइस जब तक के आपका नॉन बॉलिंग आर्म के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, ना तो आपकी लाइन लाइन ठीक होगी, ना आपका पेस बढ़ेगा, ना ही आपका स्विंग हो सकता है। तो आज मैं आपको ये बताऊँगा कि कैसे आप अपने नॉन बॉलिंग आर्म के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर यंगस्टर ये कहते हैं कि भैया लाइन लाइन खराब हो रही है, पेस नहीं आ रहा है या स्विंग नहीं हो रहा है। तो सारी प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी, बट आपको वो चीज़ें करनी होगी जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि गाइस भीड़ का हिस्सा बना रहना मकसद नहीं है, लाइफ में कुछ करना मकसद है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनके ऊपर हमें काम करना होता है और जो हमें एक बेहतर प्लेयर बनाती है। तो वीडियो अहम होने वाली है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले गाइज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपका नॉन बॉलिंग आर्म सही यूज़ नहीं हो रहा है तो आपकी बॉलिंग में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको सही यूज़ कैसे करना है ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो कम समय में ठीक हो सके। क्योंकि गाइज अगर एक भी मैच खराब हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम होती है, नेक्स्ट मैच में आपको प्लेइंग मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको छोटे छोटे पॉइंट्स पर ज़्यादा काम करना चाहिए। पहले बताता हूँ गलती होती क्या है। पहली गलती क्या है, अगर आपका जो नॉन बॉलिंग आर्म है वो जल्दी गिरा जा रहा है तो क्या होगा, आपका बॉल छोटा गिरने लगेगा। और ये कब होगा, तब इसके ऊपर आपको कंट्रोल नहीं होगा। अगर ये कंट्रोल में नहीं है, या तो लेट खुलेगा या जल्दी गिर जाएगा। लेट खुलेगा तब भी प्रॉब्लम है, और जल्दी चला जाएगा तब भी प्रॉब्लम है। अगर जल्दी नीचे जाएगा तो बॉल छोटा होने लगेगा, जहाँ पर बैट्समैन के लिए रन बनाना आसान हो जाता है और आपको विकेट मिलने के चांसेस भी ज़ीरो हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप जहां बॉल डालना चाह रहे हैं बॉल वहां नहीं गिर रहा है तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आपके लिए। बट अगर इस पर काम करेंगे तो जहां पे आप चाहेंगे आपका बॉल वहां गिरेगा, स्विंग भी मिलेगा आपको और अच्छा लाइन लेंथ भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एक और गलती क्या होती है, अगर ये नॉन बॉलिंग आर्म आपका लेट आ रहा है नीचे तो आपका बॉल या तो फुल टॉस जाने लगेगा या आगे वाली लेंथ में गिरने लगेगा। फुल टॉस जाएगी तब भी बैट्समैन के लिए ईजी हो जाएगा, और ज़्यादा आगे जाएगी तब भी बैट्समैन के लिए इजी हो जाएगा। तो जितनी जल्दी हो सकता है इसके ऊपर आपको कंट्रोल करना है। अब मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ें जिन पे आपको वर्क करना है ताकि आपका नॉन बॉलिंग आर्म आपके कंट्रोल में आ सके और आप एक बेहतर बॉलर बन सके। क्योंकि गाइस भीड़ का हिस्सा बना रहना मकसद नहीं है, लाइफ में कुछ करना मकसद है। तो छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो गाइस अब मैं आपको वो दो ड्रिल बताने वाला हूँ जिसके बाद आपका नॉन बॉलिंग आर्म के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा, जिसके बाद आपका बॉल अच्छा गिरने लगेगा। पहले ड्रिल में आपको क्या करना है, कोई भी वेट ले लेना है, या तो हैवी बॉल ले लेनी है या कोई भी वेट हाथ में ले लेना है। करना कैसे है, इस वाले लेग को ऊपर लेके आना है, यहाँ पे अपने हैंड को होल्ड करना है और ये लेके आना है, यहाँ पे सिर्फ इसको इतना लेके आना है, इसके नीचे नहीं लेके जाना है। क्यों, मेन मुद्दा क्या है, कंट्रोल करना है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पीछे लेके जाएंगे तो कंट्रोल में नहीं आएगा। आप जो ड्रिल कर रहे हैं मेन है कि कंट्रोल कैसे आएगा, तो यहाँ पे लाके इसको होल्ड करना है। ये पहली ड्रिल है। अभी सेकंड ड्रिल जो है वो थोड़ी और डिफिकल्ट होगी, बट करना पड़ेगा तो ही जाके पॉसिबल है कि आप एक बेहतर बॉलर बनेंगे। स्टेट खेलना इतना आसान नहीं होता है, स्टेट खेलने के लिए आपको वैसा बनाना पड़ता है कि स्टेट वाले आपको बुला के स्टेट खिलाए, वो तभी पॉसिबल होगा, तब आपको अपनी बॉलिंग में कंट्रोल होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड ड्रिल के बारे में। इसके बाद नॉन बॉलिंग आर्म के ऊपर और ज़्यादा बेहतर कंट्रोल हो जाएगा, बट इसको करना कैसे है ये जान लिए। कोई भी थारा बैंड आपको यूज़ कर लेना है, सामने की तरफ थोड़ा हाइट पे बांधना है, अपने हेड के हाइट पे बांधना है उसको, और पूरा खींचना है जहाँ पे कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा, यानी पूरा खींच जाएगा वहाँ से उसको नीचे खींचना है, यहाँ पर इस तरफ खींचना है, जितना हो सकता है उतना ज़ोर लगाना है। और थारा बैंड भी कई तरीके के आते हैं, आपको कम से कम लेवल 2 खरीदना है, लेवल 1 नहीं है, लेवल 1 बहुत ज़्यादा खींच जाता है, लेवल 2 थोड़ा सा हैवी होता है, उसको खींचने में जोर पड़ेगा। इसे करने से क्या होगा, जो आपका हैंड होगा इसमें पावर आएगी या आपके कंट्रोल में आएगा। तो करना कैसे है, उसको ऊपर बांध देना है इस हाइट पर, और यहाँ पर ये खींचना है, उसको ये खींचना है, इससे आपका नॉन बॉलिंग आर्म अच्छा फिनिश भी होने लगेगा, आपके कंट्रोल में भी आएगा, आपका लाइन लेंथ अच्छा हो जाएगा, आपकी पेस अच्छी हो जाएगी। चीज़ें परफेक्ट करिए भले ही कम करिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।